रेडी, चलो एक छोटा सा साइज मार देते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाओगे खास, अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाओगे खास तो ऐसा बंडल होगा आपके भी पास। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपडेट ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वीडियो में मेरा यूट्यूब इनकम, मंथली यूट्यूब इनकम। तो उससे पहले गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा जो फिफ्थ पेमेंट जो रुका हुआ था यूट्यूब इनकम, वो गाइस फाइनली आ गया। तो कांग्रेचुलेशन सभी को कि आ गया यार, मेरा लटक गया था पेमेंट दो महीनों से। और गाइस एक चीज बताओ कि यूट्यूबर का इनकम जानने में किसको इंटरेस्ट नहीं है? अगर आज का वीडियो में आप लोग आए हो वीडियो को क्लिक करके, तो गाइस आपको भी जानना है कि मेरा आखिर यूट्यूब इनकम कितना है। सो इसी को लेकर के मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं आप लोग को सारा कुछ अपना इनकम दिखाऊंगा, सब कुछ रियल वाला अपना इनकम दिखाऊंगा, साथ ही गाइस मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा भी आज का वीडियो से। सो चलिए यार वीडियो को शुरू कर दो। अब यार आप लोग सोचोगे कि आखिर मैं यूट्यूब से कितना अर्निंग कर लेता हूँ, तो यार ये जो मैंने इनकम बताया अपना, वो है मेरा यूट्यूब ओनली फॉर एडसेंस अर्निंग। अब आप लोग सोचोगे कि कार्तिक भाई यूट्यूबर का तो ऑब्वियसली टैग यूट्यूबर का जो है वो अर्निंग ज्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि वो लोग स्पॉन्सर करते हैं अलग अलग वेबसाइट एप्लीकेशन के, वो लोग एफिलिएट अर्निंग से कमाते हैं। हालांकि मेरा भी एफिलिएट अर्निंग है, सारा कुछ बताऊंगा आप लोग को। और वो लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं यार, वीडियो बनाते हैं, उनका आरपीएम थोड़ा ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। बहुत लोग फेम कमाने के लिए आए, बट बहुत लोग क्या किए कि अपना प्राइवेट जॉब में 10,000 उनको मिलता था, यूट्यूब पर आए स्ट्रगल किए, आज महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। वैसा ही गाइस मेरा कुछ है, जो कि मैं मंथली 1 लाख रुपया कमाता हूँ यूट्यूब से। विश्वास आप लोग करोगे? नहीं करोगे ना, मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दूंगा यार, विश्वास करना पड़ेगा। तो मेरे पास लाइव प्रूफ कुछ नहीं है कि मैं 1 लाख रुपया मंथली कमाता हूँ। मैं कितना कमाता हूँ वो तो मैं आप लोग को रियली आज का वीडियो में बताऊंगा, बट यार मेरे कुछ सोसाइटी मतलब कुछ भी माहौल जो होता है वहां पर हल्ला क्या कर दिया कि कार्तिक भाई ना 1 लाख मंथली कमाता है यार, मतलब हद यार, पागल कर देंगे लोग। बताओ अभी मैं यूट्यूब पर ये नया नया कदम रखा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेता हूँ आप लोग की सपोर्ट और भगवान की कृपा से। सो लेकिन गाइस यहाँ पर माहौल में क्या चर्चा है जानते हो? किसी से अगर मुलाकात हो जाए तब कार्तिक भाई यूट्यूब पेमेंट आ रहा ना यार, सुने महीना में तुम 1 लाख कमा लेते हो? अरे यार हद बात है, मैं सुन के खुद चौंक रहा। अगर यार मैं 1 लाख रुपया कमा लेता मंथली, मतलब आप लोग समझ सकते हो यार, एक बीसीसीएल जो होता है एम्प्लॉय या फिर सरकारी नौकरी, उससे डबल 1 लाख, समझ रहे हो? बीसीसीएल एम्प्लॉय या फिर सरकारी नौकरी वालों को दिया जाता 60,000 80,000 70,000 ऐसे, जो मतलब ऐसे नॉर्मल काम करते हमारे इधर के। तो यार 1 लाख मतलब समझ रहे हो, अगर मैं 1 लाख कमाता तो यार अब तक तो मैं यार कार में घूमने लगता, मतलब आप लोग भी सोच के देखो, अभी तक मैंने बाइक नहीं लिया अपना यूट्यूब पेमेंट से, यहाँ तक कि यार DSLR तक नहीं लिया। यार मान लो कि मैं मंथली अगर 1 लाख कमाता, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देखो, तो यार मैं DSLR नहीं लेता, बताओ फर्स्ट में तो ये बताओ, दूसरा कि मैं बाइक नहीं लेता अपना, तीसरा तो यार मंथली अगर मैं 1 साल 1 लाख करके कमाऊँ तो 12 महीने में यार 12 लाख में तो कार में घूमता यार। लेकिन नहीं, यहाँ के माहौल में कुछ यार दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, कोई भी मिलते हैं यार तू 1 लाख कमाता, यार खुद समझ के देखो, 1 लाख कमाता तो मैं ऐसे रहता नॉर्मल, मतलब नहीं क्या मैं ऐसे पहनता, नहीं तो क्या ही पहनता, कोई दूसरा और बुलेट प्रूफ थोड़ी ना पहन के घूमता यार 1 लाख भी कमाता। नहीं यार बस छोटा सा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यार ये जो हुआ है ना, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा सुनने को मिला, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि मेरे ये लोकल के भी लोग देखते हैं, और पेमेंट वाला वीडियो है तो भाई देखेंगे भाई कितना बंदा अर्निंग कर रहा। तो भाई देखो यूट्यूबर है हम लोग पैसे अर्निंग करते हैं क्योंकि यार स्ट्रगल भी तो करते हैं। अब आप लोग एक टॉपिक जो दिखता है ना पब्लिक को, एक टॉपिक कितना 5 मिनट का बन गया, लेकिन यार वही टॉपिक 5 मिनट बनाने के लिए ना आप लोग को 23 घंटा उसके पीछे थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि कल का क्या टॉपिक था। आज तो चलो मैं दे दिया माय पेमेंट, लेकिन यार कल के लिए मुझे सोचना पड़ेगा आज से ही कि कल क्या वीडियो देंगे। तो भाई जितने लोग सोचते हो ना कि यूट्यूब एक आसान सा प्लेटफॉर्म है जहाँ की हलवा है बनाओ और खा लो, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत आए तुरंत चढ़ गए ऊपर ऐसा कुछ होता नहीं है। स्ट्रगल चाहे वो कोई भी हो आ करके यूट्यूब पर करना पड़ता, उसके बाद ही हम लोग को अर्निंग देखने को मिलता है। हाँ अब बात आई कि मेरी अर्निंग के ऊपर कि कार्तिक भाई तब तुम कितना अर्निंग करते हो रियली बताओ। तो देखो यार मैं बता देता हूँ,
मेरा जो पेमेंट है वो देखो 5000 व्यूज पर $1 मिलता है मुझे। आप लोग सोचोगे भाई इतना ज्यादा व्यूज पर तुमको $1 क्यों मिलता, तो भाई मुझे मालूम नहीं, मेरा टाइटल वगैरह थोड़ा बहुत हिंदी वगैरह रहता, आप लोग देखे हो, और मेरा जो वीडियो का टॉपिक होता है वो कुछ भी होता है, मतलब टॉपिक वगैरह आप लोग देखते ही हो। सो गाइस एक अगर आप लोग नीज पर चला जाए और इंग्लिश टाइटल वगैरह करके जाए तो यार धीरे धीरे डॉलर सुधरने लगता, लेकिन मेरे को उससे परवाह नहीं, मेरे को ओनली फॉर मेरे फैमिली मेंबर्स क्या मांगते हैं उसको मैं देख करके चलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी मेरे फैमिली मेंबर्स रोस्ट मांग देते हैं, तो कभी एक्सपोज मांग देते हैं, तो कभी इसके ऊपर वीडियो, तो कभी उसके ऊपर वीडियो, उसको लेकर के मेरा 4 से 5 हजार व्यूज पर $1 बनता। मैं कभी आप लोग को प्रूफ भी दिखा दूंगा, हो सके तो इसी वीडियो में प्रूफ डाल दूंगा। तो यार 4 से 5 हजार व्यूज में $1। अब आप लोग सोचो कि मेरा पर डे कितना व्यूज आता है, तो यार मेरा पर डे हर वीडियो में 1000, कोई वीडियो में 2000, ज्यादा से ज्यादा जाए तो यार 5000। लेकिन मेरा जो रियल टाइम व्यूज होता है जो 48 आवर्स का, वो यार 5 से 7 हजार, 7 से कभी 12 हजार तक भी चला जाता है, मतलब नॉर्मल डेज में भी। तो यार अब आप लोग समझ रहे हो कि मेरा अगर एक दिन का डॉलर बने तो यार $1 से $2 बनता है। आप लोग इसको मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगा के समझ सकते हो कि मेरा अगर 10,000 व्यूज रहे 48 आवर्स में, जो कि आप लोग YT स्टूडियो में देखे होंगे, आपका भी रहता होगा कुछ, तो यार तब जाकर के मेरा $2 बनता है पर डे। तो मान लो यार महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में अगर मैं $2 करके इनकम करता हूँ, $60 हो गए टोटल, दो मंथ में $120 हो गए, जो कि यार मेरा दो मंथ बाद ये जो फिफ्थ पेमेंट आया वो यार $130 आया। तो अब आप लोग समझ सकते हो $2 का मेरा रेशियो है, और मैं दो महीने में एक बार पेमेंट उठाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा हर मंथ पेमेंट आ जाता है, मेरे व्यूज थोड़े कम आते हैं इसलिए, अब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो तो कम ही आएगा ना यार, तो इसलिए मेरा $2 बनता है और दो मंथ में मुझे एक पेमेंट यूट्यूब से मिलता है। तो ये हो गया गाइस मेरा फर्स्ट इनकम, जो कि एडसेंस से मुझे एक पेमेंट मिल जाता है दो मंथ बाद। देखो यहाँ पर मंथली मेरा 1 लाख का यहाँ पर बात हो रहा था, बट यार मुझे दो मंथ बाद एक पेमेंट मिला, चलो मान लेते हैं कि लगभग 9-10 हजार के करीब आ गए उससे। अब यार मुझे मिलते हैं स्पॉन्सरशिप। अब यार स्पॉन्सरशिप तो अभी के टाइम पर करना भी काफी ज्यादा डर लगता है कि यार पब्लिक कौन सा अच्छा मानती है कौन सा बुरा, ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार जो अच्छे अच्छे स्पॉन्सरशिप आते हैं उसको हम लोग लेते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि भाई आप स्पॉन्सरशिप कितना लेते हो, तो यार व्यूज के अकॉर्डिंग आप लोग 2 से 3 गुना करके पैसे को लगा सकते हो, क्योंकि यार जो थोड़े बहुत मतलब यूट्यूबर जो कुछ दिन तक रह करके अपने चैनल पर अगर थोड़े अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं तो यार उनको थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है। जैसे कि यार मैं तो अभी आप लोग को डायरेक्ट नहीं बता सकता, बट आप लोग समझ सकते हो कि 3 स्पॉन्सरशिप से एक बढ़िया से बढ़िया मोबाइल ले सकता हूं, जो कि मैं अभी यूज करता हूं, ठीक है, ऐसा मैं आप लोग को एग्जांपल दे दिया। तो ये हो गया गाइस अर्निंग, अब आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और यार जो मेरा एफिलिएट लिंक है, तो यार उसका मेरा फर्स्ट पेमेंट ही नहीं मिला, तो मैं कहां से ही अर्निंग करूंगा, लेकिन एफिलिएट लिंक में मेरा थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है मंथली। अभी तो यार शायद 1000 के अराउंड बन चुका है पैसा, बट मैं फिर भी अभी पेमेंट नहीं उठाया हूँ उसका। मैं देखो यार एक चीज बता देता हूँ, एफिलिएट अर्निंग जो होता है ना अमेजोन का, वो 1000 पे पैसा दे देता है, आप निकाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं निकाला। तो गाइस ये था मेरा राउंड फिगर में अर्निंग करने का लाइन। सो एक एडसेंस, दूसरा एफिलिएट, और तीसरा स्पॉन्सरशिप, जो कि गाइस हम लोग को सबसे मस्त जो मिलता है वो स्पॉन्सरशिप ही होता है। तो गाइस ये है हमारा मंथली अर्निंग, और अगर हम लोग बात करें अब राउंड फिगर की कि कार्तिक भाई आप कितना मंथली अर्निंग कर लेते हो, तो देखो यार ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि फिक्स रहे, बट हाँ मैं आप लोग को एक राउंड फिगर में बता देता हूँ, यार 10,000 से कभी कभी 20,000 तक भी हो जाते हैं, बट हर महीने होंगे ये कोई गारंटी नहीं है, मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। वरना कुछ लोग सोच के बैठेंगे अरे भाई इतना अर्निंग कर लेता है तब तो यार चलो आज पार्टी बनती। सो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, हर महीना आए इसका कोई गारंटी नहीं। तो गाइस आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर बेस्ट लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।